16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सीमित पूर्ण सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मंच से विश्व को शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। उन्होंने ब्रिक्स परिवार से जुड़े सभी नए सदस्यों और साथियों का स्वागत किया। साथ ही सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अभिनंदन किया। 16वें ब्रिक्स समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन को हार्दिक बधाई देता हूं और ब्रिक्स से जुड़े नए साथियों का भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी बैठक एक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व युद्धों, संघर्षों, आर्थिक अनिश्चितता, क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद जैसी अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ है। विश्व में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम डिवाइड की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई की रोकथाम, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी सभी देशों के लिए प्राथमिकता के विषय हैं। मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हर एक्सलेंसी दिल्मा रुसेफ का अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं। एनडीबी को डिमांड ड्रिवन सिद्धांत पर काम करते रहना चाहिए और बैंक का विस्तार करते हुए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, हेल्दी क्रेडिट रेटिंग और मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी के युग में साइबर सिक्योरिटी, डीप फेक, डिस इन्फॉर्मेशन जैसी नई चुनौतियां बन गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स को लेकर बहुत अपेक्षाएं हैं। नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से अधिक बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स व्यापार परिषद और ब्रिक्स महिला व्यापार गठबंधन की विशेष भूमिका रही है। नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स वीमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, ई कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि एक डाइवर्स और इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म के रूप में ब्रिक्स सभी विषयों पर सकारात्मक भूमिका अदा कर सकता है। इस बारे में हमारी अप्रोच पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए। हमें विश्व को ये संदेश देना चाहिए कि ब्रिक्स विभाजनकारी नहीं, जनहितकारी समूह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम युद्ध नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं और जिस तरह से हमने मिलकर कोविड जैसी चुनौती को परास्त किया है, उसी तरह हम भावी पीढ़ी के सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध भविष्य के लिए नए अवसर पैदा करने में पूरी तरह से सक्षम है। मुझे खुशी है कि 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित
ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस साल ब्रिक्स देशों में यूनिडो के साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 के लिए स्किल वर्कफोर्स तैयार करने पर बनी सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 में लॉन्च किया गया ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर सभी देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमें डिजिटल हेल्थ में भारत का सफल अनुभव ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में खुशी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हम सभी को एकमत होकर मजबूती से सहयोग देना होगा। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे देशों के युवाओं में कट्टरपंथी विचारधारा को रोकने के लिए हमें सक्रिय रूप से कदम उठाने होंगे। यूएन में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म के लंबित मुद्दे पर हमें मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी तरह साइबर सिक्योरिटी, सेफ और सिक्योर AI के लिए ग्लोबल रेगुलेशंस के लिए काम करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज हमारी साझी प्राथमिकता का विषय रहा है। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स ओपन कार्बन मार्केट पार्टनरशिप के लिए बनी सहमति का स्वागत करता है। भारत में भी ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांजिशन पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एक पेड़ माँ के नाम जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पिछले वर्ष COP28 के दौरान हमने ग्रीन क्रेडिट जैसे महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। मैं ब्रिक्स पार्टनर्स को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। ब्रिक्स के सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत नए देशों का ब्रिक्स पार्टनर कंट्री के रूप में स्वागत करने के लिए तैयार है। इस संबंध में सभी निर्णय सर्वसम्मति से होने चाहिए, साथ ही ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर के विचारों का सम्मान करना चाहिए। जोहान्सबर्ग समिट में जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया और प्रोसीजर को हमने अपनाया था, उनका पालन सभी सदस्य और पार्टनर देशों को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ऐसा संगठन है जो समय के अनुसार खुद को बदलने की इच्छा शक्ति रखता है। हमें अपना उदाहरण पूरी दुनिया के सामने रखते हुए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार के लिए एकमत होकर आवाज उठानी होगी। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गतिशक्ति पोर्टल बनाया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिली है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। हमारे अनुभव आप सभी के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ मिलकर हमने इसे UAE में भी लॉन्च किया। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी इसमें सहयोग
किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, WTO जैसे वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म्स के लिए समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ब्रिक्स के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि संगठन की छवि ऐसी ना बने कि हम ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म नहीं बल्कि उन्हें रिप्लेस करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट और अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने इन देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर रखा था। पिछले वर्ष अफ्रीका के देशों को ब्रिक्स से जोड़ा गया। इस वर्ष भी रूस द्वारा अनेक ग्लोबल साउथ के देशों को आमंत्रित किया गया है। भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी चर्चाओं के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के रूप में मैं राष्ट्रपति लूला को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत आपकी ब्रिक्स अध्यक्षता की सफलता के लिए अपना पूरा सहयोग देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न प्रकार के विचारों और विचारधाराओं के संगम से बना ब्रिक्स समूह आज विश्व को सकारात्मक सहयोग की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमारी विविधता, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सर्वसम्मति से आगे बढ़ने की परंपरा हमारे सहयोग का आधार है। उन्होंने कहा कि हमारी ये गुणवत्ता और ब्रिक्स स्पिरिट अन्य देशों को भी इस फोरम की ओर आकर्षित कर रही है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में हम सब मिलकर इस यूनिक प्लेटफॉर्म को संवाद, सहयोग और तालमेल का मंच बनाएंगे। ब्रिक्स के फाउंडिंग सदस्य के रूप में भारत अपने दायित्वों का हमेशा निर्वहन करता रहेगा। भारत और ईरान के मजबूत संबंधों की तस्वीरें सामने आई हैं। रूस के कजान से भारत ईरान के बीच एक दूसरे की संस्कृतियों का सदियों पुराना संबंध है। दोनों देशों के रिश्तों की डोर की मजबूती एक बार फिर देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की भले ही पहली मुलाकात थी, लेकिन दोनों नेता बेहद गर्मजोशी से मिले। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं की मुलाकात के बड़े मायने हैं। इस साल जुलाई में मसूद पेजेश्कियन के ईरान के राष्ट्रपति बनने के बाद से दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें टिकी थी। मध्य एशिया में जारी संघर्ष के बीच दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात कई मायनों में खास रही, खासकर तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति और युद्ध विराम के लिए बार बार आवाज उठाते रहे हैं। Prime Minister and President Pezeshkian had a fruitful discussion. This was their first meeting since President Pezeshkian's election as the ninth president of the Islamic Republic of Iran. Prime Minister congratulated him on his recent victory and reaffirmed India's commitment to deepening the age-old bilateral ties with Iran. In fact, both leaders emphasized repeatedly the shared historical and civilizational ties that underpin their bilateral relations and discussed ways to further strengthen cooperation in various fields of bilateral ties. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर बातचीत हुई, जो कि क्षेत्रीय संपर्क और व्यापारिक साझेदारी के लिहाज से काफी अहम है। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच लोगों के बीच संपर्क, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, गाजा की स्थिति, अफगानिस्तान में स्थिरता और सुरक्षा और रूस यूक्रेन संघर्ष समेत कई और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। The discussion focused on key areas of cooperation, particularly the Chabahar port and the international north-south transport corridor, which are crucial for enhancing regional connectivity and economic partnerships. In fact, seamless connectivity in the region was a theme of this meeting. In this context, the recent signing of the long-term main contract for the development of the Chabahar port in Iran further strengthens the commitments of both countries toward collaboration in these sectors, which is in a sense also significant for the reconstruction and development of Afghanistan and for enhancing trade, economic and people-to-people linkages with the countries of Central Asia. दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति समेत क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष के बढ़ने पर गहरी चिंता जताई, साथ ही हालात को बेहतर बनाने के लिए भारत के आह्वान को दोहराया। प्रधानमंत्री ने जान माल की सुरक्षा और संघर्ष को खत्म करने में कूटनीति की भूमिका पर जोर दिया। Both leaders also discussed the situation in West Asia. Prime Minister expressed his deep concern over the escalating conflict and reiterated India's call for the protection of civilians, the prevention of harm to civilians. He emphasized the need for dialogue and diplomacy to de-escalate tensions. President Pezeshkian also emphasized on the need for peace and harmony in the region and the role that India could play in de-escalating the conflict given its good relations with all the parties involved. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पेजेश्कियन को भारत आने का भी निमंत्रण दिया। भारत और ईरान के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारी के अलावा दोनों देशों के बीच लंबे समय से सभ्यतागत संबंध हैं। दोनों देशों की आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण समानताएं हैं। President Pezeshkian acknowledged in particular the role that India played in Iran's accession to both the SCO and BRICS, and both the leaders agreed to continue their cooperation within various multilateral platforms, including BRICS and SCO. भारत ने इस महीने की शुरुआत में पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति के बढ़ने पर अपनी चिंता जताई थी, साथ ही सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा का आह्वान किया था। इस वर्ष अप्रैल में एक बयान में भारत ने कहा था कि वो इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता पर गंभीर रूप से चिंतित है, जो क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत ने तत्काल तनाव कम करने, संयम बरतने, हिंसा से पीछे हटने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया। दुनिया में चल रहे संघर्षों को लेकर भारत लगातार सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान इस मुलाकात पर सबकी नजरें थी। 23 अक्टूबर को रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। दोनों नेता 5 साल के बाद बातचीत के लिए आमने सामने आए। इस मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और चीन के रिश्ते न सिर्फ भारत के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि दोनों देशों के अच्छे संबंध वैश्विक शांति के लिए भी जरूरी है। दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दे पर बनी सहमति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा, 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति,
स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। मुलाकात के दौरान भारत ने चीन की शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता का समर्थन किया। इस अहम मुलाकात के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों पक्षों के लिए अधिक संचार और सहयोग करना, हमारे मतभेदों और असहमतियों को उचित रूप से संभालना और एक दूसरे की विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में सुविधा प्रदान करना महत्वपूर्ण है। दोनों पक्षों के लिए हमारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। As you are all aware, close on the heels of the disengagement and patrolling agreement and the resolution of issues that had arisen in the India-China border areas in 2020. Naturally, the two leaders welcomed the agreement reached between the two sides through sustained dialogue over the last several weeks in diplomatic as well as military channels. Prime Minister Modi underscored the importance of not allowing differences on boundary-related matters to disturb peace and tranquility on our borders. And in this context, the two leaders noted that the special representatives on the India-China boundary question have a critical role to play in the resolution of the boundary question and for the maintenance of peace and tranquility in the border area. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सत्ता में आने के बाद चीन के साथ संबंध सुधारने का साफ संकेत दिया है। सरकार ने महसूस किया कि आर्थिक और क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए चीन के साथ संवाद को नए सिरे से शुरू करना जरूरी है। इस रणनीति के तहत दोनों देशों ने धीरे धीरे उच्च स्तरीय कूटनीति में कदम बढ़ाया। महान स्वतंत्रता सेनानी और पराक्रमी की तुर्की रानी चेनम्मा जयंती के अवसर पर आज संसद भवन के प्रेरणा स्थल स्थित उनकी प्रतिमा पर लोकसभा अध्यक्ष ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना समेत दूसरे कई लोगों ने भी रानी चेनम्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।